गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, टुडे वी विल सॉल्व अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लास सेकंड पार्ट। ओके, लास्ट वीडियो में टू के फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। सो सेकंड क्वेश्चन, 8 की पावर 2 इनटू 8 की पावर 4 डिवाइड 8 की पावर 3, 8 की पावर 4 इनटू 8 की पावर 2 इन डिवाइड बाय 8 की पावर 3। सो यदि बेस सेम होंगे तो मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या हो जाएगी, 8 इज 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 3। सो 8 की पावर 12 डिवाइड बाय 8 की पावर 3। सो डिवाइड बाय पावर क्या होगी, माइनस, इट मींस 12 माइनस 3, सो 8 की पावर 9, 8 की पावर 9 इज अवर आंसर। ओके, इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं कि 2 के 8 के लिए ले सकते 2 के पावर 3, क्यूब रूट और क्यूब ऑफ 2। सो यदि हम इसे और सॉल्व करना चाहें तो 8 को लिख सकते 2 के पावर 3 होल पावर 9, इट मींस 2 के पावर 27। ओके, 2 के पावर 27 भी करेक्ट होगा और 8 के पावर 9 भी करेक्ट होगा। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 5 के पावर 7 अपॉन 5 के पावर 2 एंड 5 के पावर 3। सो 5 के पावर 2 अपॉन 5 के पावर 7 अपॉन 5 के पावर 2 इनटू 5 के पावर 3, इट मींस 5 के पावर 7 माइनस 2, क्यूब के पीछे डिवाइड में है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 5 के पावर 7 डिवाइड बाई 5 के पावर 2 इनटू 5 के पावर 3। सो 5 के पावर डिवाइड माइनस हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 5 के पावर 3, सो 5 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 3, बेस सेम है, सो 5 के पावर 5 प्लस 3, इट मीन 5 के पावर 8, 5 के पावर 8 इज अवर आंसर। सबसे पहले क्या किया हम, 5 के पावर 7 अपन 5 के पावर 2, इट मीन डिवाइड में था तो डिवाइड के रूप में लिखा। ओके, यदि बेस सेम है डिवाइड में तो पावर क्या होगी, माइनस, माइनस किया 7 माइनस 2 5 मल्टीप्लाई में, सो पावर सेम है, सो बेस सेम है, सो मल्टीप्लाई में पावर 8 हो जाएगी, इसलिए 5 की पावर 8 इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, 5 की पावर 4 इनटू x के पावर 10 y के पावर 5 अपॉन 5 की पावर 4 इनटू x के पावर 7 इनटू y के पावर 4। ओके, सो x के पावर 5 के पावर 4, 5 के पावर 4 इट मींस से कैंसिल हो जाएगी, 5 के पावर 4, 5 के पावर 4, या तो कैंसिल ना करें तब भी क्या होगा, डिवाइड में पावर क्या होगी, माइनस, तो 5 के पावर 4, 5 के पावर 4, सो इन सब को यदि हम ऊपर ले जाएं सो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 5 के पावर 4 x के पावर 10 y के पावर 5 डिवाइड 5 के पावर 4 x के पावर 7 y के पावर 4। ओके, तो यदि हम इसको डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी, माइनस, इट मींस जो 5 के पावर 4 है वो 5 के पावर 4 से ही माइनस होगा, सेम बेस से, x के पावर 10 माइनस 7 सेम बेस x x है तो 10 माइनस 7 होगा, y के पावर 5 माइनस 4 होगा, y के पावर 5, y के पावर 4, सो y के पावर 5 माइनस 4। ओके, x 5 के पावर 0 इनटू 4 माइनस 4 0, x के पावर 3 और y के पावर 1, 5 के पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, x के पावर 3 इनटू y, इट मींस आंसर इज x के पावर 3 एंड y, किसी भी टर्म के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1, सो x के पावर 3 इनटू y इट मींस x के पावर 3 और y। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3 के पावर 2 होल ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 6 मिडिल ब्रैकेट क्लोज इनटू 5 के पावर 6। सो 3 के पावर 2 होल पावर 3 इट मींस 3 के पावर 6 होल पावर मल्टीप्लाई होगा एंड 2 के पावर 6 मल्टीप्लाई 5 के पावर 6। अब बेस सेम है नहीं इस केस में बट पावर सेम है, सो 3 इनटू 2 के होल पावर 6 एंड 5 के पावर 6, 3 2 जा 6, 6 के पावर 6 इनटू 5 के पावर 6, इस केस में भी बेस सेम नहीं है बट पावर सेम है, सो 6 इनटू 5 के पावर 6 इट मींस
30 के पावर 6 इज अवर आंसर. ओके सो 3 के पावर 2 के पावर 3 इट मींस 2 इनटू 3 6, 3 के पावर 6 इनटू 2 के पावर 6 5 के पावर 6. बेस सेम है नहीं बट पावर सेम है. सो 3 इनटू 2 के होल पावर 6, 3 इनटू 2 6 के पावर 6 इनटू 5 के पावर 6 एज इट इज. 5 इनटू 6 बेस सेम नहीं बस पावर सेम है. तो 5 इनटू 6 होल 6 और 30 के पावर 6 होगी. 2